बहुत इम्पोर्टेंट है इसको समझना प्लीज, अगर आप इसको वक्त से थोड़ा ध्यान देंगे तो. जरूरी नहीं होता कि हर इंसान गुनाह से बिल्कुल पाक हो और कोई गलती ना करे, वो तो फिर इंसान नहीं हुआ ना. इसी तरह से लाइफ में कोई भी चाइल्ड ऐसा नहीं होता जो 100% परफॉर्म करे. देन द एबिलिटी टू फॉरगिव वन ओन सेल्फ फॉर अ फेलियर, द एबिलिटी फॉर टीचर टू टेल द चाइल्ड, जो एक एलिमेंट है ना रिपेंटेंस का रिलीजन में, उसको अगर आप प्रैक्टिकली अपने प्रैक्टिकल मामला के साथ अगर जोड़ें तो यू विल कम टू रियलाइज दैट ओनली इज एन एलिमेंट जिसमें आपको अपनी किसी कमी कोताही या अपनी कम एफर्ट, किसी जगह पर कम एफर्ट पुट करने की का इतराक होता है और आप उसको करेक्ट करने की कोशिश करते हैं. ये फॉरगिवनेस की जो एलिमेंट है इसको अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में इनकल्केट करने की जरूरत है. वी नीड टू फॉरगिव आवरसेल्फ समटाइम्स. इफ समबडी इज नॉट फिटिंग टू रीडिंग साइंस, प्लीज माफ कर दें उस बच्चे को. जरूरी नहीं है कि वो एक डफर और नालायक और ना हिंजार और बेकार इंसान हो, ऐसा नहीं है. आप जिंदगी के बहुत सारे एस्पेक्ट से थिंक करना सीखें और सिखाएं बच्चों को. जरूरी नहीं कि हर बच्चा हर चीज में बहुत शानदार होगा, लेकिन उसका कौन सा एस्पेक्ट शानदार है इसको आइडेंटिफाई करने में आप उसको हेल्प करें. एजुकेशन का असल मकसद ये है, किसी भी बच्चे का कॉन्फिडेंस इंप्रूव कर देना, उसका थॉट प्रोसेस जनरेट कर देना कि वो सोचने समझने की सलाहियत उसके अंदर आ जाए, उसे क्या करना है वो ये फैसला करने की सलाहियत अपने अंदर पैदा कर ले. ये एजुकेशन का असल में काम है. यू हैव टू मेक देम एबल टू डिसाइफर व्हाट इज इंपॉर्टेंट फॉर देम. ये इंपॉर्टेंट है बिकॉज आई माइसेल्फ रिमेंड अ टीचर एंड आई हैव ऑलवेज सीन स्टूडेंट्स गोइंग थ्रू डिप्रेशन because I was a lecturer in English, so my work was to study English and I used to see girls, they were very depressed when they wouldn't be able to speak up or writing skill comes over, so they used to feel very depressed or apne aapko dusron se kamtar samajhna shuru kar deti thi. Then it came a time jab mujhe step forward karna pada aur mujhe apni har student ke upar personally work karna pada. और आई यूज टू टेल ईच चाइल्ड कि आपकी फलां स्किल ज्यादा अच्छी है, सो डोंट फील डिप्रेस्ड, यू आर बेटर इन दैट थिंग. ठीक है, ये इंकल्केट करना ये असाज़ कराम का ही एक तुरा है. आप ही कर सकते हैं और कोई नहीं कर सकता, इसलिए आप इम्पोर्टेंट हैं. आपको मेमार जो कहा जाता है वो इसलिए कहा जाता है क्योंकि आप बिल्ड करते हैं. आप एक एस्पेक्ट को बिल्ड करके एक इनकम्प्लीट इंसान अगर आप सोसाइटी को देंगे तो आप मुजरिम हैं, फिर आप मेहमान नहीं हैं, आप मुजरिम हैं. तो इस बात को, इस रिस्पॉन्सिबिलिटी को अंडरस्टैंड करें. बीइंग टीचर इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट जॉब, द मोस्ट इंपॉर्टेंट, आई मस्ट से एंड आई रिपीट, इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट जॉब इन द वर्ल्ड. एंड दोज़ हू ऑप्ट फॉर इट, दे हैव टू ऑप्ट इट विद फुल ऑनेस्टी, फुल डेडिकेशन. अगर आप नहीं कर सकते टीचिंग तो प्लीज खुदा रहे किसी और की जिंदगी तबाह करने के लिए इस फील्ड में मत जाएं. अगर आप में इतना स्टेमिना, इतना पेशेंस है, ये याद रखिए कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मुअल्लिम बना के भेजा गया था और उनमें जो सबसे शानदार बात थी दैट वाज हिज पेशेंस, एबिलिटी टू टॉक सॉफ्ट. जब तक असाज़े-ए-किराम के अंदर एक्सेप्टेबिलिटी नहीं होगी, एक्सेप्ट